बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। रांची से एक बहुत बड़ी खबर है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों के 361 मामले एक्टिव हो चुके हैं, तो एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 361 हो चुकी है। राजधानी रांची में कोरोना के 125 सक्रिय मरीज हैं। बीती रात राज्य में 60 नए संक्रमित मरीज की पहचान हुई है, तो ये बड़ी खबर। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ते आ रही है, हालांकि पैनिक नहीं होना है और न पैनिक करना है किसी को। ये जो मामले आ रहे हैं, ये दरअसल इसमें से कई मामले पोस्ट कोविड के भी हैं, और साथ ही जो संक्रमित मामले हैं, ये जो संदिग्ध मामले हैं, ये ओमिक्रोन वाले नहीं है। आप इसमें अभी ये तय नहीं हुआ है कि ओमिक्रोन से है या किस चीज से संक्रमण हुआ है, लेकिन संक्रमण के बावजूद इनमें जो मामले हैं, जो लक्षण बहुत ही कम है। हालांकि बहुत से ऐसे भी हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई कि वो कौन थे, बस रिपोर्ट आई क्योंकि टेस्ट हुआ उसमें पता चला, और बहुत सारे नंबर भी फोन जो है वो बंद आ रहे फोन नंबर्स, तो इसलिए चिंता की बात है। हालांकि पैनिक फिर भी नहीं होना है। तो भारत सरकार की टीम भी रिम्स पहुंची है। आईसीएमआर के अधिकारी रिम्स की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे। माइक्रोबायोलॉजी विभाग और ट्रॉमा सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया। विभाग के एचओडी से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। तो दरअसल जिस तरीके से तीसरी लहर की बात की जा रही है, जो कि ओमिक्रोन से आएगी ये कहा जा रहा है, उसको लेकर राज्य के हर अस्पताल में या कहें कि तमाम राज्यों में केंद्र सरकार की टीम पहुंच रही है, आईसीएमआर की टीम पहुंच रही है और व्यवस्थाओं की जानकारी ले रही है, कि ताकि जो कुछ झेलना पड़ा दूसरी लहर में वो तीसरी लहर में ना हो। तो इन्हीं चीजों को लेकर आईसीएमआर के अधिकारियों ने जायजा लिया रिम्स का। और सत्यव्रत किरण इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, पिछले दिनों यह भी खबर आई थी कि झारखंड में चूंकि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो कम है, और ऐसे 10 राज्यों में झारखंड भी शामिल था हमारा, और इसके बाद आईसीएमआर की टीम का यहाँ आना, क्या सब कुछ ठीक है और क्या चीजें चल रही हैं अभी फिलहाल? नहीं, देखिए जिस तरह से राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है, उन सभी चीजों का जायजा लेने के लिए भारत सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य की जो टीम है, आईसीएमआर के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं रांची के दौरे पर, और लगातार जो बैठकें हैं वो चल रही हैं। अभी से थोड़ी देर पहले जो है वो आईडीएस के सभागार में जो है वो बैठक चला, वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी ली गई कि किस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है, कितने लोगों ने अब तक वैक्सीन लिया है, किनको कितना डोज मिल चुका है। और अभी थोड़ी देर पहले जो टीम है वो राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स पहुंची थी। सबसे पहले जो टीम है वो अचानक रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग जाती है और वहां जाकर इस बात को जानने की कोशिश करती है किस तरह से मरीजों का कोरोना सैंपल जांच किया जा रहा है, जो गाइडलाइन है उन सभी गाइडलाइन का पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। फिलहाल माइक्रोबायोलॉजी विभाग में निरीक्षण के दौरान जो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो काफी संतुष्ट दिखी, और उसके बाद उन्होंने रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप और जितने भी बड़े चिकित्सक हैं, एचओडी हैं, उन सभी के साथ एक बैठक की, महत्वपूर्ण बैठक था। उसके बाद रिम्स का जो ट्रॉमा सेंटर है जहां कोरोना के संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाता है, वो ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे। वहां जो बेड है, जो वेंटिलेटर मशीन है, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, इन सभी चीजों का जो है वो खुद से निरीक्षण किया, जायजा लिया, चिकित्सकों से बात की कि अगर अचानक कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है तो कैसे उनका इलाज किया जाएगा, क्या मैन पावर है, क्या जीवन रक्षक उपकरण है। इन सभी चीजों को लेकर आज का जो दौरा था केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम का वो काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि देखिए जिस तरह से राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, पिछले अगर 3-4 दिनों की बात करें तो लगातार बेतहाशा तरीके से हर दिन नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, और वैसे में यह जो निरीक्षण था आज का वो काफी महत्वपूर्ण है पंकज। चलिए बिल्कुल सत्यव्रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, पूरी जानकारी आपने दी और बताया गया किस तरीके से वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए और मौजूदा व्यवस्था को जानने के लिए आईसीएमआर की टीम पहुंची है, केंद्र सरकार की टीम पहुंची है, ताकि स्थिति जो है वो पहले से दुरुस्त कर लिया जाए। अगर कुछ दिशा निर्देश देना है तो वो दे दिया जाए, ताकि दूसरी लहर जैसी स्थिति का सामना राज्य को ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।